हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही पॉपुलर एंड डिलीशियस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है चिकन मोमो। इसको चिकन डम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। पहले एक बार देख लेते हैं मोमोज बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। बोनलेस चिकन 400 ग्राम, 2 कप मैदा, नमक स्वादानुसार, एक चॉप्ड ऑनियन, 5 चॉप्ड चिली, चॉप्ड पत्ता गोभी 1 कप, चॉप्ड धनिया पत्ता 1 टेबलस्पून, कैप्सिकम आधा या तो 2 टेबलस्पून, ग्रेटेड लहसुन 1 टेबलस्पून, तेल 3 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, विनेगर 2 टीस्पून, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून शक्कर। मोमो बनाने का 2 मेन स्टेप होता है, एक है डो बनाना एंड सेकेंड वन इज फिलिंग या स्टफिंग बनाना। पहले हम डो बना लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट में रखना होता है। तो यहाँ पे हम मैदा ले लेंगे, देन इसमें शक्कर, थोड़ा सा नमक, 3 टीस्पून तेल ऐड कर लेंगे। अब ये सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें कि डो हमारा ज्यादा गीला ना हो जाए। आधा कप से भी कम इसमें पानी यूज की हूँ। याद रखिए, डो ज्यादा हार्ड या ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये डो बनाते टाइम पानी का अमाउंट सही होना चाहिए। लास्ट टाइम एक बार डो मेरा थोड़ा सा हार्ड बना था, तो मोमो का आउटर लेयर स्टीम होने के बाद च्यूई या रवारी टाइप हो गया था। देख रहे हैं, डो हमारा बन गया। अब थोड़ा सा तेल ऐड करके गूंथ लेंगे, तो हमारा डो और भी स्मूथ हो जाएगा। अब इसको ढक के रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए। तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। चिकन को एक मिक्सर जार में डाल के थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। याद रखिए कि पेस्ट ना बन जाए, बस एक बार चलाना है, नहीं तो फिलिंग का टेक्सचर भी अच्छा नहीं होगा एंड टेस्ट भी उतना खास नहीं आएगा। बट एक बात याद रखिए, ब्लेंड करते टाइम बिल्कुल भी पानी यूज ना कीजिए। अब ब्लेंडेड चिकन के साथ नमक, काली मिर्च पाउडर, विनेगर, सोया सॉस, 3 टीस्पून तेल, ग्रेटेड लहसुन मिला लेंगे। अब इसमें काटा हुआ मिर्च, शिमला मिर्च, धनिया पत्ता, ऑनियन डाल के मिला लें।
अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पत्ता गोभी ऐड करके मिला लेंगे। हाँ, और एक बात, स्टार्टिंग में आप सभी इंग्रेडिएंट्स कम कम लेकर ही बनाएं। मुझे लगभग 50 मोमोज बनानी थी, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी ली हूँ। आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, बट रेशियो सेम रहना चाहिए। हमारा फिलिंग रेडी है। मिनट्स बाद डो हमारा सेट हो गया। आप और एक बार अच्छे से मिला लें। ऐसे खींचने से मैदे में ग्लूटेन डेवलप होता है, जो लचीलापन देता है, एंड मोमोज का जो आउटर लेयर है वो सॉफ्ट बनता है। ऐसे छोटी छोटी लोई बना लेंगे। अब सूखी मैदा थोड़ा सा छिड़क के बेल लेंगे पूड़ी जैसा, बट याद रखें पूड़ी जैसा तेल यूज ना करें। जितना पतला हो सके रोल को बेलें। आउटर पोर्शन ज़्यादा पतला होना चाहिए, नहीं तो मोमोज के आउटर लेयर हार्ड बन जाता है। इसके ऊपर 1 टेबलस्पून स्टफिंग रख देंगे एंड ऐसे हाफ पोर्शन में पानी लगा लेंगे, फिर भुजिया टाइप बंद कर देंगे। दोनों उल्टे एजेस में ऐसे पानी लगा के चिपका देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। चलिए और एक शेप में बनाते हैं। लोई को बेल लेंगे, इसके ऊपर स्टफिंग रख देंगे, देन ऐसे प्लीट्स बनाते जाएंगे। मिडिल पोर्शन में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, देन एक साथ प्लीट्स को गैदर करके पोटली जैसा तैयार कर लेंगे। ये दिखने में मोदक जैसा होता है। सभी मोमोज को ऐसे ही 2 शेप में बना लेंगे। और भी बहुत सारे शेप दिया जा सकता है, बट बिगनर्स के लिए 1-2 शेप ही आसान रहता है। अब चलते हैं स्टीमर के तरफ। यहाँ पे स्टीमर हमारा रेडी है। स्टीमर प्लेट में तेल ग्रीस कर लेंगे, देन एक एक मोमो को रखते जाएंगे। अब प्लेट्स को स्टीमर में रख के ढक्कन लगा देंगे एंड मीडियम टू हाई फ्लेम में स्टीम होने रख देंगे 15-20 मिनट्स के लिए। अब हमारा मोमोज तैयार है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे।
गर्मा गर्म मोमोज सेजवान चटनी मेयोनीज के साथ सर्व कीजिए। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म चिकन सूप के साथ ये अच्छा लगता है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।